अभिन्न फूड बुक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडाई। ठंडाई होली पर और गर्मियों के सीजन में पिया जाने वाला एक बहुत ही शीतल पेय है और ये गर्मी से हमें राहत देता है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है और इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये होली पर एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। यदि आपको मेरी ये ठंडाई की रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठंडाई बनाने के लिए जिस सामग्री की हमें ज़रूरत है वो है 25 से 30 मैंने ये बादाम भिगोए हुए हैं। ये मैंने सारी सामग्री को जो है ना आधे घंटे पहले भिगो दिया था। ये 25 से 30 बादाम हैं, 15-20 काजू हैं, 1 चम्मच सौंफ है, 1/4 कप खरबूजे के बीज हैं, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्च है, ये 1/4 कप मुनक्का, 1/4 कप खुसखुस, 1/4 कप गुलाब की पत्तियां, 1/4 कप पिस्ता और 1 चम्मच गुलकंद। ये मेरे पास है केसर और ये है केवड़ा एसेंस, इसको हम यूज करेंगे। और ये 2 कप चीनी है और ये दूध है। सबसे पहले हम एक भगोने को गैस के ऊपर रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें हमने ये जो हमने 2 कटोरी शुगर ली है इसको डालेंगे। मैंने इस कप के हिसाब से चीनी ली है तो मैं इसमें अब 1.5 कप पानी डालूंगी। ये 1 कप और ये 1.5 कप चीनी अपना पानी खुद छोड़ती है, इसलिए हमें पानी कम रखना है। अब इसको हम स्टर करेंगे। इसका हमें एक शुगर सिरप बनाना है। जब तक हमारी ये शुगर सिरप तैयार हो रहा है तब तक हम ये जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हमने भिगोए हुए थे इन सबको हम पीस लेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें ये बादाम डाल देंगे। अब ये काजू, ये सौंफ, मैं ये बड़ी चम्मच सौंफ का यूज किया था, आप बड़ी चम्मच का यूज कीजिए। कटोरी के हिसाब से है ये 1/4 कप का यूज कर रही हूँ सौंफ का। 1 बड़ी चम्मच मेरी छोटी कटोरियाँ हैं तो ये 1/4 कप हो रहा है। ये खरबूजे के बीज भी इसमें हम ऐड करेंगे। ये पिस्ते, पिस्तों को मैं ऐड किए देती हूँ इसमें। मुनक्का भी मैं इसमें डाली देती हूँ। खुसखुस को भी डाल दे रही हूँ इसी में। अब इसमें ये काली और सफेद मिर्च मैंने भिगो के रखी थी इसको भी ऐड कर देंगे। इसमें ये गुलाब जल, ये गुलाब की पत्तियाँ ऐड किए देती हूँ। अब इसमें हम ये गुलकंद ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये केसर थोड़ा सा 10-12 पेटल्स इसके डाल देंगे केसर के। ये इलायची पाउडर है, ये हमने 15 से 20 इलायची हरी वाली छोटी वाली जो हरी इलायची होती है उसको पहले से ही छील कर पीस लिया है, उसका ऐड कर रही हूँ। देखिए हमारा ये जब तक चाशनी खोल रही है शुगर सिरप तब तक हम इसे सारे मिश्रण को पीस लेते हैं, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको पीस के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा ये पेस्ट पीस रहा है, अभी थोड़ा सा मुझे और पीसना है। बिल्कुल मुझे एक स्मूथ पेस्ट की तरह चाहिए तो मैं अभी इसे थोड़ी और पीसूंगी।
तब तक हमारी जो शुगर सिरप तैयार हो रहा है उसकी गैस को हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी ये तैयार हो चुकी है। देखिए अब हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको जो अभी हमने शुगर सिरप बनाई है ना उसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए इसको हम इसमें शुगर सिरप में ऐड कर देते हैं। देखिए हमने सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है शुगर सिरप में। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से खौलाएंगे। देखिए ये 8 से 10 मिनट मैंने शुगर सिरप में इसके अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स पीसे थे उनको हम मैंने खौला लिया है। अच्छी तरह से खौलाना है इसे 10 मिनट तक। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। इससे हमारी अब ये हमारी ठंडाई तैयार है। बस मुझे इसमें क्या कहते हैं केवल छानना है। छान के फिर हम बाद में इसे सर्व करेंगे दूध डालकर। ठंडाई को इसलिए छानते हैं जिससे कि हमारे जब हम ठंडाई पिए तो हमारे मुंह में बिल्कुल भी कोई भी रेशा ना पहुंचे और हम बहुत ही टेस्टी और लजीज लगे। अब हमने ये मेरी ठंडाई छन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम आधा ढक्कन केवड़े का जो एसेंस लिया था उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। केवड़े का एसेंस ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो डालें, यदि नहीं आपको यूज़ करना तो आप नहीं भी डालिए। अब हम जब इसको सर्व करेंगे तब हम इसे पहले ठंडा करेंगे तब हम इसके बाद इसको सर्व करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ किस तरह से हमें सर्व करना है। इसको 2 चम्मच ग्लास में पोर करेंगे। बस इतनी क्वांटिटी हमें लेनी है। इसमें अभी हम बर्फ का टुकड़ा ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम ठंडा ठंडा दूध डाल के इस तरह से सर्व करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से हम चम्मच से हिला के मिक्स कर लेंगे। अब इसको ये पिस्ते से और गुलाब की पत्तियों से हम गार्निश करेंगे। हमारी ठंडाई सर्व होने के लिए रेडी है। हमारी ठंडाई सर्व होने के लिए तैयार है। अब इसे आप होली के सीजन पे और सरगर्मियों में शीतल पेय के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो हमने ठंडाई बनाई है मेरी बची हुई है ये मैं 2 महीने तक इस ठंडाई का फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकती हूँ। यदि आपको बाहर रखनी है तो आप 1 महीने के अंदर आपको इसको ख़त्म करना है। फ्रिज में रख के ये 2 महीने आराम से चल जाएगी। जब भी आपका मन हो इसे पीने का आप गिलास में इस तरह से सर्व पोर कीजिए और सर्व करके दूध मिला के पी सकते हैं।